आई गेस कुछ शूटिंग वोटिंग चल रही है। टाइम टू लीव। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ये बात नहीं है। जाहिर यहाँ पे लेने के लिए कुछ मिल नहीं रहा भाई, फायर हो गया। नहीं लेन गेम चल रहा है, मतलब इतना खतरनाक नहीं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सेफ लेके चल रहे हैं। सेफ आई डोंट नो मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, फटी ना आ रही होगी। अगर फटी आ रही होगी तो मैं वॉइस ओवर डाल दूंगा, बट लुक एट द क्राउड, क्राउड बहुत ज़्यादा है। हाँ अरे वाह, कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटामस के साथ? नहीं कहाँ से ओवरटेक करा भाई, यहाँ से बर्फ़ हट चुकी है पूरी तरह, मतलब पूरी तरह बर्फ, बाकी राइडर्स आ चुके हैं। लेट्स गो। हो गया जॉर्ज जाने का, मतलब निकल गए, यहाँ पे वेट कर रहे थे बाकी लोगों का। बाकी ये सब फॉग है ऊपर, धूप पर पहाड़ी दिख नहीं रही भाई। चलो लेट्स गो, बाकी सब चले गए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, व्हेन कम्स टू कॉर्नरिंग आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी आरआर पे, मतलब ये नहीं कि कॉर्नरिंग नहीं होती, इस पर कॉर्नरिंग होती है। अगर आप नॉर्मल कॉर्नर कर रहे हो कि बस आपकी बॉडी स्ट्रेट बैठी और आपका मोड आपने लिटा दी, तब तो आपका टायर के ऊपर है सारी बात। टायर अच्छा लगाओगे तो कॉर्नर हो जाएगा, पर जैसे ही आप ना बॉडी ट्रांसफर, बॉडी वेट ट्रांसफर पे आ जाओगे ना आप कॉर्नरिंग पे, तो फिर इसमें ना आपको वो स्वीट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आरसी बनी उस चीज़ के लिए, तो आरसी का जो पूरा का पूरा राइडिंग पोस्टर है सब कुछ है, वो उसी हिसाब से सेट हो रहा है। इसमें कॉम्बिनेशन है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा वो कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, कैसा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। क्योंकि इस बाइक में ना अगर आपको फील चाहिए कॉर्नरिंग की एकदम, अगर आप ये चाहते हो कि भैया इसका फुल पोटेंशियल निकालना, वैसे निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी जगह नहीं, इतना लंबा कॉर्नर कोई मोड़ होता नहीं जहाँ पे मैं कॉर्नर कर पाऊँ इतना लंबा। मगर अगर आप मुझे कहोगे कि लीन करनी है, तो भाई लिटरली आपको वो स्वीट पॉइंट ढूंढ के करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं ढूंढ पाए ना स्वीट पॉइंट, तो इसका ना जो ये थॉटल है ना, अभी ये अर्बन ये लगा लो अर्बन पे, पर अभी भी इतना क्रिस्पी है ना, इतना क्रिस्पी, मतलब अगर आपने लीन करते हुए, मतलब अगर आप कहीं लीन कर रहे हो और आपकी पूरी बॉडी वेट ट्रांसफर हो रहा है और आपने एक जगह भी गलत कर दिया थॉटल के साथ, थोड़ा बहुत भी खेल गए ऊपर नीचे, क्या तो आपका बाइक अनस्टेबल हो जाएगी। थॉटल ऐसा क्रिस्पी है ना, और अगर आप थ्रॉटल छोड़ दोगे तो देखो सीधी बात है, एक्सीलेटर स्पीड कम हो जाएगी, तो लीन कहाँ ही हो पाएगा। तो आपको वो स्वीट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि किस स्वीट पॉइंट पे ये होती है और कितने पे आपको इसका एक्सीलेटर पकड़ के रखना पड़ेगा। हाँ देखो घूम रहे हैं, बाकी ठंडी यहाँ पे अब फील होने लग गई है मुझको। अरे पायलट, इसका क्या पायलट क्यों लिखा हुआ था, उड़ाएगा क्या? वो सब वहाँ पहुँच गए, हम लोग यहाँ हैं। रीज़न बीइंग भैया थोड़ा धीरे चल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि साथ ही चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो है बाकी लोग और हम दोनों भी पीछे हैं। मेरे गोप्रो की बैटरी भी अभी सड़ने वाली होगी, तो मैं सुबह मिलता हूँ सीधा वहीं पहुँच के, ठीक है ना? तब तक के लिए स्टे ट्यून। आई गेस कुछ शूटिंग वोटिंग चल रही है, तो यहाँ कुछ शूट चल रहा है। कुछ ना कुछ शूट तो चल ही रहा है। भीड़ देख रहे हो यहाँ पे, क्या छटपट भीड़ हो रही है। अच्छा है अपना उत्तराखंड प्रमोट हो रहा है इन सम वेज और अनदर। पर देखो यार, तुम जब भी ट्रैवल करते हो ना उत्तराखंड में, तो यार हमें अच्छा लगता है आप ट्रैवल करो, तो यार गंदगी मत फैलाओ, कूड़ा कबाड़ा। हाँ मैं क्या बोल रहा था, अगर आप उत्तराखंड ट्रैवल करते हो, घूम रहे हो, घूमो आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कूड़ा मत फैलाओ यार। जब भी कहीं बियर की कैन पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है यार, अपना इन्जॉय करो, पर अकेले मतलब साफ रखो यार, अपना इन्जॉय करते रहो, कोई मना थोड़ा ना कर रहा आपको कि अपनी इन्जॉयमेंट रोक दो, करो अपनी इन्जॉयमेंट, पूरी इन्जॉयमेंट करो, पर गंदगी मत फैलाओ। बस ग्रेवल है, ग्रेवल है, बहुत ज़्यादा ग्रेवल है,
ग्रेवल इतना, ओहो ये कोहरा आ रहा है ऊपर सारा। मैं बता दें घूट पहन के आया हूँ, मुझे लगा गर्मी होगी भाई, मेरे तोहते उड़ने वाले अभी थोड़ी देर में ना। ठंडी का जब झोंका पड़ेगा ना मेरे पीछे गर्दन पे लग रहा है, अभी ठंडी का झोंका पता चल रहा है मुझे कि ठंड हो रही है। अभी हेलमेट नहीं उतारा था इसलिए मुझे पता नहीं मेरे कान ठंडे होंगे नहीं होंगे, पर अभी कीचड़ चिपक गया होगा टायरों पे तो वो ग्रिप छोड़ सकता है। मतलब एकदम मिट्टी से निकलने के बाद ना लीन मत मारना कभी भी गीले में, और एकदम गीले से निकल के और कहीं भी स्लश से निकल के ना कभी लीन मारना मत एकदम डायरेक्टली, चूंकि ना टायर स्लिप हो जाएगा। जब तक टायर आपका गर्म और साफ ना हो तब तक लीन मत क्या करो। तो यहाँ पे बर्फ़ नहीं है भैया, लकी है, वरना एक भाई तो हम यहाँ फंस गए थे नीचे बर्फ़ में। एक्सीलेटर की वो स्लज ब्रो, स्लज में नीचे जाना बहुत रिस्की है, ऊपर आना तब भी आसान है, पर आप स्लज में नीचे आ रहे हो तो आपके ना एक तो बॉडी का वेट होता है, ऊपर से ग्रेविटेशनल पुल भी होता है तो बाइक कंट्रोल नहीं होती। बाकी अब तो हट गया, पर वहाँ था स्लज तो ठीक है, थोड़ा ऑफ रोड है, पर मैं तो ऐसे साइडल भी नहीं कर सकता ना इस पर, अजीब से पिछाड़े खड़े हो जाते हैं भयंकर, इस पर सड़ल कटता हूँ। एंड फील इट, मेरे पीछे का टायर ही स्लिपरिंग स्लिप कर रहा है, मतलब स्लिपरिंग वेरी डेंजरस। क्या निकाली भाई, मज़ा आ गया, पर हम नहीं निकाल सकते ना ऐसे, हमारी बाइक नीचे लग जाएगी, ऊपर से स्टैंड भी इतना वैसा है और टायर भी लगे हैं पूरे रोड के, हम नहीं निकाल सकते ऐसे, हमें तो बिल्कुल आराम आराम से निकालनी पड़ती है भैया। रोड पे हम कितने भी पागल हो जाए पर ऐसी जगह पे ना फट जाती है यार। क्या करना है, प्लान में चेंज है, क्लाउड एंड जा रहे हैं, बना तो अच्छा लिया पर क्राउड इतना ज़्यादा है ना यहाँ पे, गाड़ी भी गाली दे रही होगी मुझे आज धंधों पर कि भयंकर कहाँ लेके जा रहे हुए। इधर आई हैव टू बी लिटिल मोर कॉशियस बिकॉज टायर स्लिप हो सकता है, ऊपर से नीचे लग सकती है बाइक, तो आई वोंट बी टेकिंग एनी चांसेस विद माय बाइक। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आई डोंट नो, बट मेरी बाइक नहीं कर पाएगी ऑफ रोड मेरी। तू छालते हुए लेके आना ऐसा मन है वो, जा 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 हेलमेट भाई, भाई अपने को देख के हो रहा है अगली की तो क्लच छोड़ दो, क्लच छोड़ दो, जब पीछे आएगी क्लच छोड़ देना। धक्का दो आगे, होटल लोकेशन भाई वो आ गई ऊपर चीता, कैसा लगा, बहुत मजा आ गया भाई सही में यार, जगह तो जिसको ऑफ रोड करनी है उसके लिए तो बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, ला गए भाई ला गए, अब ये रास्ता भी निकलता था यहाँ से, मतलब
मतलब यहाँ से होके वो रास्ता जमीन से नीचे के ऊपर से आ रहा है, मतलब देख रहे हो यहाँ से रास्ता पूरा। और ये हम बेमजा वहाँ से लेके आए तो मज़ा आ गया।